हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इनिशियल बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक सेल की। लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी और आपको बताया था, ये हम देख सकते हैं मल्टीपल स्टॉक से रिलेटेड मतलब ब्रेकिंग न्यूज़ थी, उससे रिलेटेड न्यूज़ कवर करी थी। और उसमें मैंने आपको बताया था कुछ ऐसे शेयर से रिलेटेड बातें करेंगे जो आपको अच्छे खासे रिटर्न दिला सकते हैं। तो देखिए, कुछ दिन पहले ही उसी से रिलेटेड ये वीडियो होने वाली है। और कुछ दिन पहले अगर बात करें तो अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, देखिए यहाँ पर ये स्टॉक्स है, ओके, यहाँ पर बताया था मैंने कुछ मल्टीपल स्टॉक से रिलेटेड जिसमें आपको अच्छा खासा गेन मिल सकता है, ओके, इनकी भी चर्चा करेंगे। एज वेल एज अगर बात करें कुछ अलग एडिशनल स्टॉक्स भी उसमें ऐड करेंगे क्योंकि अच्छे बाइंग प्राइस पे आपको मिल रहे हैं। और आपको बताना चाहता हूँ ऐसी इसी स्टॉक से रिलेटेड मैंने बताया था कि 2-3 महीने पहले या कह सकते हैं 5-10 दिन पहले ही वीडियो बनाई थी इन स्टॉक से रिलेटेड, और ये सारे के सारे स्टॉक भागते हुए आज के डेट में नज़र आए। जहाँ मार्केट गिरी हुई थी ये स्टॉक भागते हुए नज़र आए। तो इसी तरीके से कभी भी इनका मौका आता है तो ये अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड, इसलिए कहते हैं ना 10-15-20 स्टॉक्स रखिए, किस दिन कोई गिरेगा तो किस दिन कोई भागेगा, इस तरीके से चलता है। तो आज के दिन मार्केट आपको पता ही है अच्छी खासी गिरी है और मेटल में से बहुत अच्छी यहाँ पर पैसे निकालने लगे हैं, प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर दिया लोगों ने, तो पैसा कहीं ना कहीं डाइवर्सिफाइड होगा और लोग वहाँ पर वैल्यू बाइंग देखते हैं कि जहाँ पर वैल्यू बाइंग होगी वहाँ पर वो पैसे डालते हुए नजर आएंगे। तो इन्हीं में से हम बेस्ट स्टॉक, एक तो अच्छे स्टॉक प्लस में कम कीमत में मिल रहे हैं, तब आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलता हुआ नजर आएगा फ्यूचर में। तो आइए उसी से रिलेटेड बात करेंगे। बट बिफोर दैट आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारे चैनल बॉस ऑफ फाइनेंशियल बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और हमारी बहुत सारी वीडियोज है उसे आप नीचे आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर अगर ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट नहीं है क्लिक करें और फ्री में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, बाकी आसपास के लोगों की मदद करिए। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा SIS लिमिटेड, ओके, 392 रुपीज़ तक ये शेयर अभी आज की डेट में जाता हुआ दिखाई दिया था। और अगर 52 वीक हाई की बात करें, कुछ दिन पहले ही इसने 52 वीक हाई लगभग 477 रुपीज़ पे यहाँ पर गया था, फिर उसके अपर सेट की जब इसकी बायबैक की न्यूज़ थी इसके बाद नीचे आ गया है। अगर बताऊँ तो देखिए कल की डेट में मतलब 3-4 दिन पहले ही मैंने यहाँ पर 6 मई को, ओके, 6 दिन पहले ही यहाँ पर वीडियो बनाई थी, 372 पे प्राइस चल रहा था, बल्कि जब रिजल्ट आए थे 352 पे इसका प्राइस चल रहा था। और मैंने आपको बताया था इसे बाइंग करिए, बाई ऑन डिप्स करिए, और ये शेयर 470 रुपीज़ तक तो जाएगा ही जाएगा विद इन 1 मंथ की बात बता रहा हूँ, ओके, मतलब आप समझ लीजिए लगभग आपको यहाँ पर सीधा का सीधा 70-80 रुपीज़ यहाँ पर शेयर पर मिल जाएगा। और अगर बात करें लॉन्ग टर्म की, रख लिए इसे 3-4-5 महीने तक, तो ये 550 रुपीज़ तक आपको जाता हुआ दिखाई देगा। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल मत खोइएगा। बाकी आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख सकते हैं, अच्छा खासा इसका चार्ट पैटर्न है। कंपनी क्या कहते हैं स्प्लिट भी दे चुकी है, एज वेल एज बात करें बाईबैक भी कंपनी ला चुकी है, तो इस बात का ध्यान दीजिए, अच्छा खासा स्टॉक है इसकी तरफ। इसके अलावा और कोई शेयर की बात करें तो लार्सन एंड टूब्रो इन्फोटेक बहुत अच्छा शेयर है, LTI इसकी तरफ ध्यान दीजिए, ये जब भागना शुरू करेगा तो आपके पकड़ में नहीं आएगा। हर बार देखिए इसी रेंज में यहाँ पर बात करें तो इसी कंसोलिडेशन यही पीरियड में कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ तो यहाँ पर आप देख लीजिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसी पीरियड पर अगर बात करें तो कितने टाइम से लगभग 3-5 महीने हो चुके हैं इसी पीरियड पे यहाँ पर ये कंसोलिडेट किए जा रहे हैं, बट यहाँ पर ये इसका लास्ट है, ओके, इसके बाद मुझे नहीं लगता कि ये गिरेगा। इसके बाद यहाँ पर एक रिवर्स बनाएगा और रिवर्स बना के ये अच्छा खासा गेन करता हुआ मिलेगा। बहुत अच्छे रिटर्न रिजल्ट थे इसके, तो रिजल्ट के मामले में तो ये इन्फोसिस से भी अच्छे रिजल्ट थे, टेक महिंद्रा से, SCL सब कंपनियों से अच्छे रिजल्ट थे, TCS और लार्सन टूब्रो, टाटा एलेक्सी, इन्हीं की कंपनी को फोर्थ, इन्हीं के रिजल्ट काफ़ी अच्छे आते हुए नजर आए थे। तो LTI की तरफ नजरें बना के रखिए, आपको अच्छा खासा गेन मिलता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा बात करें LTTS, रिजल्ट इतने खास नहीं थे, मतलब थोड़ी बहुत गिरावट थी इसकी अगर सिक्वेंशियली बात करें, बट बाय ऑन बाय बेसिस पे अच्छा खासा यहाँ पर अच्छा खासा कंपनी ने अच्छा खासा गेन किया था, तो यहाँ पर फिर दोबारा गिर चुका है। बट ये स्टॉक जब भागना शुरू करता है तो आपको अच्छे मल्टी बैगर रिटर्न देना शुरू करता है, 3000 रुपीज़ तक ये शेयर फिर दोबारा जाता हुआ दिखाई देगा, जो कि ये लास्ट टाइम भी गया था। अगर बात करें यहाँ पर देख सकते हैं 3062, तो अच्छा खासा ये गेन दे सकता है, 500 रुपये की सीधी अपसाइड है। तो इस शेयर की तरफ ध्यान दीजिए, लार्सन एंड टूब्रो ग्रुप का है और अच्छा खासा ये शेयर है। इसके अलावा बात करूँ SCL Tech 1050 तक यहाँ पर जाता हुआ दिखाई दिया था और उसके बाद फिर दोबारा यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया है। बहुत अच्छे RSI पे चल रहा है, ओके, बहुत यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी ये कितने 36 के RSI पे चल रहा है, मतलब ये सारे के सारे जितने भी स्टॉक है ना 30, 40 या 35, 33 के RSI पे ही चलते हुए मिलेंगे। बहुत बाइंग वैल्यू जिसे कहते हैं ना, आपको अच्छे शेयर
कम वैल्यू पर मिलना, इसे ही कहते हैं। तो इसे आप अपने पोर्टफोलियो में जगह बना सकते हैं। हर बार देखें यहीं पर ही इसने कंसोलिडेट, यहाँ पर ही एक रेजिस्टेंस इसने बना रखा है, ये रेजिस्टेंस तोड़ेगा तो शायद थोड़ा और नीचे आ सकता है। ओके, अलग अलग इसके लेवल बनते हुए नजर आएंगे, जो कि अगर आप अलग वीडियो चाहेंगे तो आपको मुझे कमेंट करना कि हाँ आईसीएल टेक पे या किसी और शेयर पे चाहिए, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। बट अभी यहीं पर ही एक बार बार रेजिस्टेंस यहाँ पर ही इसका बनता हुआ नजर आ रहा हूँ, यहीं से ये सीधा जा भागता हुआ नजर आएगा और आपको 1053 मतलब 150 रुपये का सीधा अपसाइड डाउन अपसाइड मुझे दिखाई दे रहा है। तो इस शेयर की तरफ भी ध्यान दे सकते हैं, एससीएल टेक्नोलॉजी। इसके बाद बात कर रहे थे कि और रिजल्ट भी इसके बहुत बेहतरीन आए थे, 750 का बोनस दिया था, वही सब एडजस्टमेंट करते हुए इनका रिजल्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया था, बट बहुत अच्छे रिजल्ट थे इसके, या आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। इसके बाद इन्फोएज भी अगर बात करें, 6 मंथ की बात करता हूँ, तो देखिए इसी कंसोलिडेशन फेज पे मतलब 6 महीने से अगर बात करें जैन से, इसी लेवल पर ये भी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर आता है फिर चला जाता है, फिर यहीं पर ही आता है। बट अगर बात करूँ यहाँ पर ये दोबारा फिर इसके ईपी, देखिए मेरे पास भी ये शेयर है और मैंने भी काफ़ी अपर लेवल पर खरीद रखा है और मुझे भी लॉस हो रहा है, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए अभी फेवरेबल है, अगर लास्ट गिरा तो यहाँ पर ये दोबारा गिरता हुआ नजर आएगा। 4176 का इसका सपोर्टिंग लेवल मुझे नजर आ रहा है, बट मुझे लगता है कि यहां से रिवर्स हो लेगा, और रिवर्स नहीं भी होता तो मैं आपको बताना चाहता हूं इस शेयर को आप बायो डिप्स करके खरीदिए। ओके, एक एक दो दो क्वांटिटी करके खरीदिए, या जिस तरीके से आपकी फाइनेंशियल्स है उस तरीके से आप एक रिजल्ट डिसीजन लेके आप इसको इन्वेस्ट करें, क्योंकि इन्फोएस से रिलेटेड दो पर्टिकुलर न्यूज, मतलब अगर बात करें पॉलिसी बाजार का आईपीओ और जोमेटो का आईपीओ, ये आने वाला है। इसलिए मैं 500,000 रुपए के पीछे ना पड़ के, 2,000-5,000 के पीछे ना पड़ के, मैं इसके लंबे के पीछे पड़ा, क्योंकि ये जिस दिन इसका आईपीओ आएगा यहां पर और मुझे बहुत जल्दी आने भी वाला है, तो 8,000-10,000 तक का लेवल क्रॉस करता हुआ नजर आएगा और उस टाइम इसका बोनस भी आता हुआ नजर आएगा, ये स्प्रेड भी देता हुआ नजर आएगा। बहुत बेहतरीन कंपनी है इन्फोएस, तो इसे बिल्कुल भी कम से मत समझिए, बाय ऑन डिप्स करके यहां पर आप खरीद सकते हैं। ओके, इन्फोएस की बात हमने यहाँ पर कर ली बड़े। इसके अलावा ब्रिटानिया भी कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था और बताया था इसे खरीदिए, 3400 के लगभग ये शेयर आता हुआ नज़र आया था और आज के दिन भी शायद इसी लेवल पर ये शेयर नज़र आया था, तो आप इसे भी खरीद सकते हैं। बहुत अच्छे RSI पर ये शेयर भी आपको चलता हुआ नज़र आया, लगभग 38 के RSI पर है, थोड़ा बहुत गिर सकता है, ये इसके रेजिस्टेंस लेवल है। अगर बात करें तो लगभग 3366 का एक लेवल आ रहा है, जो कि लास्ट टाइम भी इसने इतना ही लेवल बनाया था दोबारा, और इसी लेवल पर 3439 तक ये आ रहा है, तो यहीं पर इसे यहाँ पर मूव करता हुआ नजर आएगा। ये भी इसी कंसोलिडेशन फेज पे यहाँ पर गुजरता हुआ नजर आया, यहाँ पर गया फिर नीचे आया, फिर यहाँ गया फिर नीचे आया, फिर यहाँ गया फिर नीचे आया, तो इसी तरीके का खेल ये खेलता हुआ नजर आ रहा है। तो इस शेयर की तरफ आप ध्यान दे सकते हैं, ब्रिटानिया कंपनी का नाम है, फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है, बहुत बेहतरीन। डाबर से रिलेटेड कुछ दिन पहले ही मतलब वीडियो बनाई थी और आपको बताया था बहुत अच्छे आपको प्राइस पर ये शेयर मिलता हुआ नजर आ रहा है, तो इसे भी आप अपने पोर्टफोलियो की जगह बना सकते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छे RSI पर, यहाँ पर देखिए यहाँ पर दोबारा बाइंग इंटरेस्ट आना शुरू हो गया है, तो आप थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं इस पर, और ये शेयर भी भागता हुआ नजर आ सकता है आपको डाबर। इसके अलावा अगर बात करते हैं सीएट टायर्स से भी रिलेटेड, यहाँ पर मैंने पहले भी वीडियो बनाई है और फिर दोबारा आपको बताता हूँ, 2-4 दिन की बात नहीं करता मैं, बात कर रहा हूँ लॉन्ग, मतलब 3-4 महीने का तो कम से कम इसे टाइम दीजिए, कम से कम 20-30% के रिटर्न ये देता हुआ नजर आएगा। ये भी 29 की RSI पे काम कर रहा है और जिस दिन ये भागेगा तो आपको पकड़ में नहीं आएगा, फिर आप दोबारा पछताएंगे कि मैंने ये खरीदा क्यों नहीं। ओके, सीएट टायर इसे को ध्यान दीजिए। बाकी अमरा राजा और की बात करें तो यहाँ पर अच्छी अच्छी इसकी न्यूज़ आ रही है। ओके, पहले कर्नाटक की गवर्नमेंट ने इस पर स्टे लगा दिया था कि आप बैटरी नहीं बनाएंगे, वहाँ से वो छूटता हुआ नजर आया। आज PLI स्कीम से रिलेटेड यहाँ पर न्यूज़ आई है, तो वहाँ से छूटता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको बताना चाहता हूँ अमरा राजा बैटरी काफ़ी फेमस बैटरीज हैं और मार्केट में चलने वाली बैटरीज हैं। मैंने आपको यहाँ पर बताया था ये शेयर जब आया था, इसके बाद अच्छा खासा मूव दे चुका है, बट अभी टाइम है ये शेयर आपको, इसके रिजल्ट भी आने वाले आई थिंक 21st या 22nd को, उसके बाद ये भागता हुआ आपको नजर आएगा, फिर ये पकड़ में नहीं आ रहा, इस बात को याद रखिएगा। अमरा राजा हो गया, इसके बाद बात कर लेते हैं टाटा कंज्यूमर के रिजल्ट अच्छे थे, बट ये मतलब
क्वार्टरली बेसिस पे शायद यहाँ पर गिरावट थी, बट कोई डरने की बात नहीं है, ये FMCG के दिग्गज शेयर है, ये जिस दिन चलना शुरू करते हैं ये फिर आपको मौका नहीं देते, फिर ये सीधे भागते हुए नज़र आते हैं, ये इसी तरीके से गिरता है, बार भागता है, गिरता है, भागता है, तो ये भी अच्छे खासे RSI पे 45 के RSI पे आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है, और ये मुझे लगता है कि आप 3-4 इस साल तक रख लेंगे तो 850-900 रुपये तक ये शेयर आपको जाता हुआ नज़र आएगा। इसके अलावा और किसी शेयर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देख लीजिए इंडिया मार्ट से रिलेटेड कुछ दिन पहले भी वीडियो बनाई थी और आपको बताया था कि क्यों शेयर गिर रहा है, ओके, और ये शेयर कितना और गिर सकता है, ओके, तो उस टाइम मैंने आपको बता दिया था कि और भी शेयर ये गिर सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बाय ऑन डिप्स करके खरीद सकते हैं। इसके दो इन्फो एज और इंडिया मार्ट, इनसे रिलेटेड शायद आज के दिन में अगर मुझे टाइम मिला तो मैं इसके रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पर भी इनके कुछ लेवल नज़र आ रहे हैं और इनके फंडामेंटल दिखाऊंगा कि ये शेयर कितने वैल्यूएबल है, तब आपको पता चलेगा कि ये शेयर को बेचना नहीं है, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग बेशक से हो रही है बट ये फिर दोबारा भागते हुए नजर आएंगे। RSI की बात करें, ये भी 30 के RSI पे आ गया है ये शेयर, तो इसकी तरफ ध्यान दीजिए। इसके अलावा बात करते हैं आरती इंडस्ट्री की बात करें तो 18 को इसका डेट भी है, बोनस से रिलेटेड न्यूज़ भी है, तो जैसे ही बोनस की न्यूज़ आएगी सीधे ये 1850 या 1900 तक ये भागता हुआ नजर आएगा, तो अच्छा खासा आपको प्रॉफिट यहाँ पर हो सकता है, तो इसकी तरफ ध्यान दीजिए। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पर अंबर इंटरप्राइजेज बहुत अच्छे लेवल पर चल रहा है, ओके, किस AC के जितने भी रिजल्ट आ रहे हैं, चाहे आप ले लीजिए ब्लू स्टार या ले लीजिए वोल्टास, सबके सब रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन आ रहे हैं और अंबर इंटरप्राइजेस को PLI स्कीम का फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा, ओके, और ये शेयर भागता हुआ नज़र आएगा, बहुत अच्छे PLI RSI पे मिल रहा है, बिल्कुल भी मत चूकिए, इस शेयर को अभी एक्युमुलेट करना शुरू करें तो अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पर मिलता हुआ नज़र आएगा अंबर इंटरप्राइजेस में। सेम कहानी जॉनसन कंट्रोल की है, ओके, 30 के RSI के आसपास ये भी मिल रहा है और बहुत अच्छे बाइंग वैल्यू पे मिल रहा है, और ये 6 महीने की बात करूँ तो ये 2829 तक जाता है, फिर गिरता है, फिर 2829 जाता है, फिर गिरता है, और इस बार यहाँ पर ये गिरता इतना गिर जा इस लेवल पर गिर चुका है और लगभग 20-25% का आपको यहाँ पर डाउन हो चुका है ये शेयर, आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलता हुआ नज़र आएगा, बिल्कुल भी आपको मिले छोड़िए मत, इस शेयर को अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। ब्लू स्टार सेम वही कहानी है, ओके, ये भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट बट प्रॉफिट बुकिंग हुई, बट ये भागना शुरू करेंगे और इनका 2-3 महीने के अंदर अंदर अच्छे रिजल्ट आपको मिलते हुए मिल जाएंगे। एकॉन इंटरनेशनल 21 को इसका शायद मीटिंग है, तो रिजल्ट के साथ में बोनस भी देती हुई कंपनी, यहाँ पर बोनस की डेट है तो यहाँ बोनस मिलता हुआ नजर आएगा, ये शेयर भी आपको रॉकेट बनता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा बात करते हैं अपोलो हॉस्पिटल भी लगभग 3300 तक जाता है, फिर गिरता है, 3300 तक जाता है, तो इस शेयर की तरफ ध्यान दीजिए, इसके जब अभी रिजल्ट भी आने वाले, जैसे ही रिजल्ट आएंगे 3300-3400 रुपये तक ये शेयर जाता हुआ दिखाई देगा, तो इसकी तरफ ध्यान दीजिए। अंबर इंटरप्राइजेस की बातें हमने ऑलरेडी कर ली हैं, एज वेल एज बात करें बैंकों की, तो देखिए ये कुछ बैंक है जो अच्छे खासे रिजल्ट बस प्रॉफिट बुकिंग के शिकार होते जा रहे हैं, बट कोई इशू नहीं है, अच्छे रिजल्ट पेश करें, एक्सिस बैंक को अपने पोर्टफोलियो में जगह दीजिए, बाय एंड डिप्स करते रहिए, कोटक महिंद्रा बैंक 1600 दोबारा 1700 या 20-30 रुपये और नीचे मिलता है ना, चुपचाप खरीद लीजिएगा, दोबारा एक रैली बनाएगा, 1800 रुपीज तक आपको अच्छा खासा गेन यहाँ पर देखिए, इसी लेवल पर आया, फिर उसके बाद अच्छा खासा 100 रुपये का अपसाइड मूव सीधे दिया। सेम HDFC बैंक और सेम ICICI बैंक, ये फिर दोबारा 1400 तक जाते हुए दिखाई देंगे, 1450 ओके 1500 तक, तो इसलिए आप इन शेयरों की तरफ नजरें बना सकते हैं। मल्टी बैगर A1 क्वालिटी के स्टॉक, ओके, और जितना गिरते हैं बाय ऑन डिप्स करिए, आपको अच्छा खासा पैसा 3 महीने के अंदर अंदर नेक्स्ट क्वार्टर के जब इनके सबके रिजल्ट एक बार दोबारा रिपीट होंगे भागते हुए नजर आएंगे, उससे पहले ही भाग लेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा इन शेयर की तरफ ध्यान दीजिए, आपका जाना कुछ नहीं है, विन विन सिचुएशन है, गिरते हैं तो बाय ऑन डिप्स करके और खरीद लीजिए, और अगर बढ़ते हैं तो अच्छा खासा यहाँ से बढ़ ही जाएंगे। तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लीजिए, बाकी अपने वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिए और हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, नया आए तो बेल आइकन को भी हिट करिए और दूसरे लोगों को भी हमारे साथ हमारे चैनल के साथ जोड़िए ताकि वो भी इस तरीके की नॉलेज शेयर बाजार से रिलेटेड ले सके। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।